इस टॉपिक में बात करेंगे जमीन की बंटवारा को लेकर, कि जमीन का बंटवारा आपको कब तक करवा लेना चाहिए, और यदि आपने बंटवारा समय पे नहीं करवाया तो भविष्य में आपको क्या क्या परेशानियां आएंगी। देखिए, इसकी आवश्यकता पड़ती है कब, जैसे मान लीजिए आपकी कोई कीमती जमीन है, ठीक है, आपका कोई मकान है, तो वहां पे आपको बंटवारा करवाना चाहिए, और वो भी कोर्ट द्वारा करवाना चाहिए, जिससे भविष्य में कोई परेशानी ना आए, ठीक है। और जो आप आपसी सहमति से बंटवारा होता है वो मान्य नहीं होता है, अगर मान लीजिए उसमें से एक पक्ष बेईमान है तो वो कल से फिर बंटवारा वो तोड़ देगा, वो कोर्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो बात करेंगे बंटवारा कब तक करवा लेना चाहिए, समय सीमा क्या है, और न करवाने पर आपको क्या क्या परेशानियां हैं, किन किन कंडीशंस में आपको पहले ही कोर्ट चला जाना चाहिए, ठीक है। इससे पहले आपसे कहूंगा कि देखिए, अगर आपका कोई भी प्रॉपर्टी से संबंधित आप कोई भी सलाह लेना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि बंटवारा तीन कंडीशंस में आपको सबसे पहले करवा लेना चाहिए, स्वतः आपको कोर्ट जाना चाहिए। पहला, आपको लग रहा है कि जो हमारा पार्टनर है, हमारा भाई या जो भी हिस्सेदार है, जो भी सहखातेदारक है, वो ये ज़मीन बेचने की फिराक में है, तो हो सकता है वो कीमती ज़मीन बेच दे, या हो सकता है वो जो है कब्जा दे दे कीमती ज़मीन पे, या रोड साइड कब्जा दे दे बेच के। तो बेचने से पहले आपको वो बंटवारा करवा लेना चाहिए। कोई व्यक्ति वो ज़मीन बेचता है, आपकी साझेदारी की ज़मीन जो बेचता है, जिसमें आपका भी हिस्सा है, वो बेचने से पहले ही आप बंटवारा करवा लीजिए सरकारी, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी, निर्माण होने से पहले आपको लगता है कि ये निर्माण करना चाह रहा है, तो निर्माण होने से पहले ही आपको बंटवारा करा लेना चाहिए। अगर मान लीजिए निर्माण उस पर हो गया, मान लीजिए रोड साइड 100 फुट ज़मीन है, उसमें 50 फुट आपका है, और उसने पूरे 100 फुट पे निर्माण करा लिया, बाद में आप कोर्ट गए, तो कोर्ट वो तोड़वाएगा नहीं, तोड़वाएगा तो उसमें बहुत समय लगेगा, आप जो है आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी केस लड़ेगी। तो या तो वो बेचने की जुगाड़ में है, फिराक में है, या जो है वो उस पर निर्माण कार्य करवाना चाह रहा है। दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन है, अगर उस वो लंबे समय से कब्जा किए हुए हैं, आपको लग रहा है कि ये जो हमारी कीमती ज़मीन है वो हड़पने के चक्कर में है, उस पर कब्जा करने के चक्कर में है, कीमती ज़मीन लेना चाह रहा है, या रोड के साइड जो ज़मीन है वो वाली लेना चाह रहा है, तो उस कंडीशन में आपको बंटवारा करा ही लेना चाहिए, ठीक है। तो तीन कंडीशन मैंने आपको बताई। अब तीन कंडीशंस में सबसे पहले आपको कोर्ट में जाना है, हालांकि आप बाद में गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर बाद में जाते हैं तो भी आप स्पष्ट अलग उसकी मांग कर सकते हैं, ठीक है। आप मांग कर सकते हैं कि महोदय ऐसा करिए, जो हमारा रोड पे है, जो कीमती है, उसमें हमें बराबर शेयर दीजिए, ठीक है, यदि आप कोर्ट में नहीं जा पाए। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपको सबसे पहले कोर्ट जाना है। जैसे मान लीजिए कोई बंटवारा आपको करवाना है, आपको लग रहा है इसकी नीयत ठीक नहीं है, ये नहीं देगा, या ये निर्माण कर सकता है, ये बेच सकता है, तो आपको सबसे पहले कोर्ट जाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बता दूँ, आपकी कोई कृषि की ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, वो रोड साइड पे बहुत कीमती ज़मीन है, और आपको लग रहा है कि रोड साइड हमारा दूसरा भाई या पार्टनर कब्जा करना चाहता है, तो आपको चलाना जाना चाहिए SDM कोर्ट, वहाँ पे आपको बंटवारा कराना चाहिए। बंटवारा के बाद आपको कुरा भी अलग करवा देना चाहिए कि महोदय हमारा कुरा, यानी कि इसका नक्शा भी अलग अलग कर दीजिए। तो होगा ये कि बिना कब्जा किए, बिना कोई परेशानी के, आपका कुरा भी अलग कर दिया जाएगा, और रोड पे आपको बराबरी अनुपातिक रूप से मिलेगा, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि इन तीन कंडीशंस में आपको बंटवारा करा लेना चाहिए, और यदि तीन कंडीशंस में कोई भी आपको लगता है कि हो सकती है इन फ्यूचर, तो भी आपको पहले ही कोर्ट चला जाना चाहिए, आपको वादी बन जाना चाहिए, और उस व्यक्ति पर बंटवारे के लिए केस कर देना चाहिए। कोर्ट द्वारा बंटवारा सबसे बेहतर बंटवारा रहता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे महत्वपूर्ण वीडियो के।